मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में, यानी कि अगर आपको बार बार एडी में दर्द आता है और आपको समझ नहीं आता कि उसका रीजन क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। यानी कि आप इसमें जान सकेंगे कि हील पेन होता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं हील के बारे में। आप इमेजिन करिए, जैसे आपकी हील है, ये आपकी आर्च है, आपकी हील में या हील बोन आपको दिखाई देती होगी, उसमें आपको अगर बार बार पेन आता है तो उसे हील पेन बोला जाता है। यानी कि हील में बार बार जो पेन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। यहाँ पर एक फेशिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया। प्लांटर फेशिया आपका हील बोन से स्टार्ट होता हुआ, आपकी ऐसे आर्च से होता हुआ आपकी टोज में आके यहाँ पर इंसर्ट होता है। कि हील में आपका एक फेशिया होता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि किसी भी वजह से चोट लग जाए या आपका पैर ट्विस्ट हो जाए, तो हील में फिर बार बार पेन आता है। यानी कि जो फेशिया है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, वो इंजर्ड हो गया है, उसके कुछ फाइबर ब्रेक हो जाते हैं या फिर आपके पैर में स्ट्रेन आ जाए। स्ट्रेन की भी काफी ग्रेड होती है, किस ग्रेड का आपको स्ट्रेन आया है उसके ऊपर आपकी रिकवरी डिपेंड करती है। तो हील पेन अगर आपको हो जाए तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्या क्या कॉजेज होते हैं हील पेन होने के, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट आप तक हमेशा पहुँच सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कारण क्या है कि जिसकी वजह से आपको बार बार हील पेन परेशान कर रहा है। फर्स्ट आपका मेन रीजन होता है ओवरवेट। यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी हील के ऊपर बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, आपकी जो हील पेन मसल्स होती हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, मसल्स फटीगनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको बार बार वो पेन रिअकरेंस होगा, यानी कि आपको बार बार परेशान करेगा। अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे तो फिर वो काफी सीवियर हो जाएगा और आपके फेशिया में इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो आपको काफी सीवियर पेन महसूस होगा। दूसरा इसका रीजन है आपके पैर में चोट लग जाना, यानी कि आपका पैर ट्विस्ट हो गया है या फिर कोई इंजरी हुई है या फिर किसी हार्ड चीज के ऊपर आपकी हील बोन इस तरह से टच हो गई है, तो उसके प्रेशर की वजह से क्या होता है, फेशिया पर आपकी इंजरी आ जाती है, फिर आपका हील पेन स्टार्ट हो जाता है और आपको काफी परेशान करता है। यानी कि आपकी वॉकिंग, आपकी स्टैंडिंग सिटिंग काफी डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड इसका रीजन होता है आपके शूज, यानी कि आप किस तरह के शूज पहन रहे हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर उसमें सॉक एब्जॉर्बर नहीं है, यानी कि आपकी हील को कुशनिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, उसके लास्ट में यानी कि सोल में जो होता है वो बहुत हार्ड है, वो बार बार एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है आपकी हील के ऊपर, तो धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती हुई फिर आपका प्लांटर फेशिया में चेंज हो जाती है, यानी कि प्लांटर फेसाइटिस जैसी डिसीज फिर आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती है। फीमेल्स में देखा जाए तो काफी हील, हाई हील पहनते हैं, इस तरह की हील आनी स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी एक मसल्स के ऊपर यानी कि आपकी काफ मसल काफी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि कंटिन्यू वो 2-3 घंटे के लिए उसको पहन के रखती हैं। अगर आप आधे एक घंटे के लिए पहने तब तक आपकी बॉडी इसके साथ कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप इसको डेली रूटीन में ले आते हैं, यानी कि आप उसकी अपनी एक हैबिट बना लेते हैं, डेली आप हाई हील्स पहनते हैं, तो फिर उसका बैड इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। यानी कि आपकी हील इतना प्रेशर लेती है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इंजरी हो जाती है, वो जो मसल्स होती है, लिगामेंट होते हैं, उनमें स्ट्रेन आ जाता है और फिर आपको काफी परेशान करता है। तो यह वो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार हील पेन स्टार्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर आपको हील पेन स्टार्ट हो जाए। सबसे मेन और इसका इम्पोर्टेंट लक्षण आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे, यानी कि आप जैसे ही ग्राउंड को टच करेंगे, तो आपको एक बहुत सीवियर पेन स्टार्ट होगा जो बेरेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह प्लांटर फेशिया, प्लांटर फेसाइटिस की वजह से आपको हो सकता है। उसके बाद जैसे ही आप चलेंगे, यानी कि थोड़ा अपना वर्क करेंगे, रूटीन में आएंगे, तो धीरे धीरे वो पेन कम हो जाएगा। लेकिन प्लांटर फेसाइटिस का एक और सिम्टम है, जैसे ही आप लॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे, यानी कि बहुत देर तक खड़े रहेंगे, तो उसका पेन फिर से शार्प शूटिंग पेन में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से वो पेन आना स्टार्ट हो जाएगा जो आपको सहन नहीं हो पाएगा। आजकल के वर्क में भी काफी चेंज आ चुका है, यानी कि या तो आपकी सिटिंग का जॉब है या स्टैंडिंग का है, जो कंटिन्यू 7-8 आवर्स आपका चलता रहता है और आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, या
अगर आप काफी लंबे समय से खड़े, यानी कि 7 to 8 hours की आपकी जॉब है और आप उसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही करते हैं, तो उसका प्रेशर एग्जर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जो आपकी हील के ऊपर आता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेम वही आपकी मसल फटीगनेस होना स्टार्ट हो जाती है, प्लांटर फेशियल इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको प्लांटर फेसाइटिस जैसी डिजीज होना स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रूटीन में थोड़ा चेंज लाना है। अगर आपकी सिटिंग की जॉब है तो थोड़ा सा आप हाफ एन आवर के बाद 15-20 मिनट के लिए आप घूम के आइए, या फिर आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आप स्टैंडिंग की जॉब कर रहे हैं तो आप 5 to 10 मिनट्स के लिए आप बैठ जाए, जिससे क्या होगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जो कंटिन्यू प्रेशर आपकी मसल्स के ऊपर आ रहा है वो रिलैक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो बताई गई है, आई होप आप समझ गए होंगे कि हील पेन के क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। इसके लिए हमने एक और वीडियो डाला है जिसमें आपको हील पेन की 5 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताई जाएंगी, जिन्हें आप घर पर कर ही अपनी हील पेन को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।